तो आज हम जा रहे हैं बीटीएम की तरफ, बीटीएम वार्ड एंक। क्या आवाज कर रहे हैं इस बंदे ने, ब्लॉक करके रखा है। अब देख सकते हो ये बंदा ने रोड को इस कदर ब्लॉक कर दिया है। एनीवेज ये रोड, मैं कहना चाहता हूँ ये रोड है 9th F जो कि आज ब्लॉक है। तो अगर आप इधर से प्लान कर रहे हैं तो ना ही जाए। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं ऑल्टरनेट वे। ये है 10th Main एक्चुअली। ये BTM 10th Main है और ये मतलब स्ट्रेट कनेक्ट होता है मेन रोड से, तो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रैफिक आता है उधर से आता है। अगर आप जा रहे हो जयदेवा तो आपको यही रोड लेना है क्योंकि आगे से डेड एंड है। तो मैं दिखाता हूँ, अगर आप BTM से हो, अगर आपको जयदेवा जाना है और एनी वेज यू आर कमिंग फ्रॉम अदर साइड लाइक सिलीगुड एंड ऑल एंड यू वांट टू हैव अ शॉर्टकट फॉर जयदेवा, तो यू जस्ट टेक यू नो 10th Main एंड मूविंग फॉरवर्ड 10th Main टू पार्क की गली। एंड दिस इज पार्क रोड। द वाई बिकॉज दिस इज पार्क रोड, बिकॉज यहाँ पर पार्क है। ये जो है ना, ये पार्क है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लोग पार्क की गली कहते हैं। और ये आपको स्ट्रेट जाना है, यहाँ पर पीपल का पेड़ मिलेगा आपको और ऑल द वे गुरुपन पालिया होकर के आप निकल जाओगे जयदेवा और जल भवन और वो जो बनरगट्ठा रोड, ये तीनों जो है ये शॉर्टकट है इस एरिया से। आज वेदर काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्लाउडी है, लेकिन बस बारिश ना हो। अगर बारिश हुआ तो कैमरा को अंदर रखना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ेगा। लेट मी चेक माय रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन नाउ। या इट्स गोइंग ऑन। सो हर दिन का यही होता है कि मैं वॉइस से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कैमरे में प्रॉब्लम होने की वजह से जो साउंड आता है वो पूरा इन्वायरमेंट का आ जाता है और मेरा वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। आई एम गिविंग माय बेस्ट एक्चुअली ट्राइंग टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर व्लॉग इंक्लूडिंग माय वॉइस सो दैट व्हेनेवर आई एम नेविगेटिंग यू समथिंग राइट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। सो दिस इज गुरुपन पालिया BTM। गुरुपन पालिया जो बेंगलोर का है वो यही है, प्योर गुरुपन पालिया। यहाँ पर अगर आप आ गए तो सब्जी वब्जी आपको आसानी से अच्छे दामों में मिल जाएगी। काफ़ी सस्ती तो नहीं रहती लेकिन हाँ, मतलब सब कुछ मिल रहा है। देखो अभी मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग में देखो सारी सब्जी वेंडर्स बैठे हुए दिख रहा है, नींबू वींबू सब मिल रहा है यहाँ पर। अब शाम जैसे होगी यहाँ पर और मार्केट जम जाएगा, यहाँ पर कपड़े की दुकान खुल जाएंगी, सारे शॉपिंग्स वगैरह ओपन हो जाएंगी कपड़े की, और फ्रूट्स आ जाएगा और बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब चलने का जगह नहीं रहेगा आपको। ये है गुरुपन पालिया, याद रखिए। तो मैंने आपको दिखा दिया आज कैसा होता है गुरुपन पालिया बेंगलुरु का। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप भी BTM में हो और गुरुपन पालिया की तरफ हो, आपको फार्मेसी की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो अपोलो फार्मेसी सामने आपको दिख रहा है। ये लड़का मुझे देख रहा है मोटी मोटी आंखों से, ये अपोलो फार्मेसी वाला है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे चाय दुकान है यहाँ पर। ये जो एरिया है ना, ये बिलाल मस्जिद के सामने वाला एरिया, मतलब ये फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ एरिया है। यहाँ पर सिर्फ खाने पीने का सामान, रमजान में तो यहाँ पर भाई लगी रहती है बहुत सारे स्टॉल। देख लो खाने का एरिया भी, सुबह है इसीलिए मैं कभी शाम में इस रास्ते से गुजरा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। देख लो जो यहाँ पर जो अच्छे होटल जो है मैं कह सकता हूँ वो मदीना है। ये देख लो, ये मदीना होटल है राइट हैंड साइड पे, दिखा? हाँ, ये मतलब इस पे अच्छा खाना मिलता है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। और ये अलमक्का है, अभी ये बंद है, शाम में खुलेगा। यहाँ पर भी अच्छा खाना बैठ के आप खा सकते हो। और ये देखो सामने माशाल्लाह बिलाल मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप गुजर रहे हो, नमाज की आपको जरूरत है, नमाज पढ़ना है, तो आप बिलाल मस्जिद जा रहे हो। देख लो ये ट्रैफिक जा रहा है, ये स्ट्रेट जाएगा आपका 4th ब्लॉक, इधर जाएगा जिधर से मैं नॉर्मल जाता हूँ। और ये है बिलाल मस्जिद।